प्रभार जो है, अतिरिक्त प्रभार जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सौंपने का काम किया है और हम सब लोगों की चाहत है कि बिहार में टूरिज्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये धरती मोक्ष और ज्ञान की धरती रही है, यहाँ अलग अलग धर्म से लेकर के सीता मैया की जन्मस्थल से लेकर के बौद्ध, महावीर, जैनिज्म और कई महाराजा, राजा अशोक, चाणक्य की धरती रही। हम लोगों का प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो फॉरेन से आते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज पर्यटन विभाग का कार्यभार संभाला। बताते चले कि पर्यटन विभाग पहले कुमार सर्वजीत के पास था, लेकिन कृषि मंत्री के इस्तीफा देने के बाद कुमार सर्वजीत को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कुमार सर्वजीत के पास पहले से मौजूद पर्यटन विभाग का कार्यभार अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संभालेंगे। आज मुख्य सचिवालय में जाकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना पदभार ग्रहण किया। विभाग के सचिव ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। तेजस्वी प्रसाद यादव के पदभार ग्रहण करने के समय विभाग के कई अधिकारीगण मौजूद। प्रभार जो है, अतिरिक्त प्रभार जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सौंपने का काम किया है और हम सब लोगों की चाहत है कि बिहार में टूरिज्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये धरती मोक्ष और ज्ञान की धरती रही है, यहाँ अलग अलग धर्म से लेकर के सीता मैया की जन्मस्थल से लेकर के बौद्ध, महावीर, जैनिज्म और कई महाराजा, राजा अशोक, चाणक्य की धरती रही। हम लोगों का प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो फॉरेन से आते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस पर हम लोगों का फोकस रहेगा। प्रमोशन कैसे हम प्रमोट करें अपने इतिहास के पन्नों को, चाहे नालंदा की चीज़ें हों, विश्वविद्यालय हो, फर्स्ट डेमोक्रेसी ऑफ वैशाली हो, इन सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। और देखा जाएगा जो अनसीन या अनआइडेंटिफाइड प्लेसेस हैं, जगह हैं जिसको दुनिया नहीं जान रही है कि बिहार में ऐसी चीज़ें हैं, वैसे चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करके वी विल प्रमोट। तो आप सब लोगों के सहयोग के साथ उम्मीद है कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को बढ़ावा देने में कामयाब होंगे और हमारा टारगेट होगा कि टॉप 10 में कम से कम हम लोग आएँ। अभी 15 में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।